अस्सलाम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोहसिन फरूक समोट के कत्ल के केस के बारे में। तो आज से चंद दिन पहले मैं मोहसिन फरूक के घर गया और उसके वो तमाम कप्स और मेडल देखे जो उसने मुख्तलिफ मैचों में जीते थे। कमरा कप्स और मेडल से भरा हुआ था और मैं बता नहीं सकता कि इसके फैमिली मेम्बर्स किस तरफ से गुजर रहे हैं, क्योंकि कोई भी माँ हो, बाप हो, भाई हो, अगर उससे कोई अपना प्यारा इस तरह से अचानक से जुदा हो जाए तो वही जान सकता है कि इस पर क्या गुजर रही है। इसको मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, बस इसका रब को महसूस कर सकता हूँ। 24 न्यूज़ के मुताबिक मोहसिन फरूक की वालदा से बात हुई, जो कि आज की वीडियो के तवासुल से हम हकाम बाला तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि मोहसिन फरूक को इंसाफ मिल सके। मोहसिन फरूक के घर वाले इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हैं और ना ही मुतमईन हैं कि जो कुछ उनको पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि मोहसिन फरूक समोट ने खुदकुशी की है। मोहसिन फरूक की वालदा का कहना है कि मेरे बेटे ने खुदकुशी नहीं की और ना ही वो ऐसा कर सकता है, वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन और खुश था। मोहसिन फरूक की मां का कहना था कि इसका कत्ल किया गया है, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। मोहसिन फरूक की वालदा ने खासकर वज़ीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त की कि आप एक क्रिकेट के अजीम हीरो और प्लेयर हो और हमारा बेटा भी एक प्लेयर था, आपका हक बनता है कि आप मोहसिन फरूक को इंसाफ दिलाएं ताकि फिर कोई प्लेयर इस तरह से कत्ल ना हो। मोहसिन फरूक की वालदा से जब एक सवाल किया गया कि इनका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था, तो इनका कहना था कि इसका किसी के साथ कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं हुई थी, वो बहुत ही मिलनसार इंसान था, हर कोई इससे प्यार करता था। मोहसिन फरूक की वालदा का कहना था कि मेरे बेटे मोहसिन फरूक को इसके दोस्तों ने कत्ल किया है। जब इनसे पूछा गया कि क्यों कत्ल किया गया है, तो इनका कहना था कि वॉलीबॉल मैच में लाखों का जुआ लगा हुआ था और दोस्तों ने इनको कहा था कि आज का मैच आप हार जाओ, लेकिन उसने इनकार कर दिया, जिससे वो लोग जुए का पैसा हार गए और इसलिए उन लोगों ने इंतकामन मोहसिन फरूक को कत्ल कर दिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।